Modern Classes Online Study Channel. Press the bell icon. देखते हैं एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल की ब्रीडिंग का हम देखते हैं, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग दोस्तों, ब्रीडिंग टू टाइप से होती है। देखो, फर्स्ट होता है इन ब्रीडिंग, एक होती है आउट ब्रीडिंग। दोस्तों जो इन ब्रीडिंग होती है दोस्तों, वो मेटिंग विद इन सेम ब्रीड, मतलब कि सेम ब्रीड में मेटिंग करना, जैसे कि रिलेटिव की मेटिंग करना अप टू 4 to 6 जनरेशन। जैसे कि कैटल में आप जैसे कि साहिवाल की और रेड सिंधी की मेटिंग करवा दो, ठीक है। मेटिंग का मतलब होता है जैसे कि उनका रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इन ब्रीडिंग में क्या कहते हैं, सेम ब्रीड में हम मेट करते हैं तो वेरिएशन नहीं आती उसमें। लेकिन इसके एडवांटेज क्या है कि इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी लाइक एलील, यानी कि आपको प्योर लाइन मिलेगी इसमें, प्योर लाइन, जैसे कि आपको प्योर फॉर्म मिलेगी, जैसे कि उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसमें वेरिएशन आने के बहुत कम चांस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रीड सेम है तो। लेकिन हिटरोजाइगोसिटी इसमें डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हैव फेवर डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी अमंग एनिमल्स, मतलब जेनेटिकली यूनिफॉर्मिलिटी, जैसे कि एक जानवर की अगर कोई करेक्टर, जैसे कि अगर वो दूध अच्छा देती है तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी अच्छा दूध देंगे, ठीक है। उसमें केवल कोई इंप्रूवमेंट, उसमें अलग कोई करेक्टर नया नहीं आएगा, उसमें वो करेक्टर चलेंगे जो उसके पेरेंट्स के जनरेशन में करेक्टर चलते हैं। इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ़ यू वॉन्ट टू इवोल्व ए प्योर लाइन इन एनिमल, ठीक है। लेकिन इन ब्रीडिंग के कुछ मतलब कि डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इट एक्सपोजिज हार्मफुल रिसेसिव जीन, ये हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज कर देती है, और देर आर एलिमिनेटिव सेलेक्टिव कंटिन्यूस, जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि आउट ब्रीडिंग करवा के, ठीक है। जो कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग होती है वो, उससे क्या होता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों, उससे क्या होता है कि कोई भी जानवर है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाती है, ठीक। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हमको कम करना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि उसके तीन टाइप से हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, वो है आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग भी मतलब कि तीन प्रकार की होती है दोस्तों। अब आउट ब्रीडिंग भी तीन प्रकार की होती है, जैसे कि ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, ठीक। अनरिलेटेड एनिमल की ब्रीडिंग करवाना, उसी को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, ठीक। आउट ब्रीडिंग में सबसे पहले हम देखते हैं, हम तीन प्रकार से होती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि मेटिंग एनिमल विद इन सेम ब्रीड बट दे हैव नॉट कॉमन एनसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। दोस्तों मैं बताता हूँ वो सिंपली से क्या है कि जैसे कि आपने इन ब्रीडिंग करवाई सेम ब्रीड में, आउट क्रॉसिंग भी सेम ब्रीड में ही होती है, ठीक। आउट ब्रीडिंग का ही एक टाइप है आउट क्रॉसिंग, विद इन सेम ब्रीड बट दे हैव नॉट कॉमन एनसेस्टर। इसमें तो क्या होता था कि इसमें तो एनसेस्टर भी कॉमन होता है, मतलब सभी चीज़ें कॉमन होती थी इन ब्रीडिंग में, लेकिन जो आउट क्रॉसिंग है इसमें एनसेस्टर सेम नहीं होता, ठीक। बेस्ट मेथड फॉर दैट एनिमल विच आर बिलो, मतलब कि जो एनिमल बिलो प्रोडक्टिविटी में, मतलब एवरेज जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे भी बिलो है, उसके लिए ये ग्रोथ के लिए, अगर आपको ग्रोथ अच्छी वाली करवानी है तो आउट क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी। आउट क्रॉसिंग के बाद आती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का दोस्तों क्या है कि बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड, अब जहाँ पर भी क्रॉस आ जाए तो बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड, दो अलग अलग ब्रीड पर क्रॉस करवाना, उसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक। प्रोजेनी, जो क्रॉस ब्रीडिंग से हम प्रोजेनी को करते हैं, मतलब कि इवोल्व करते हैं, उसको हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं प्रोजेनी को, मतलब कमर्शियली पर्पज़ के लिए, जो अगर आपको कमर्शियली पर्पज़ के लिए कोई जैसे कि बैल वगैरह की वो करवानी है तो आपको क्रॉस ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल है, क्रॉस ब्रीडिंग का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि हिसारडेल, एक शिप की ब्रीड नहीं, यहाँ पर हिसारडेल जो कि पंजाब में, यहाँ पर हिसार का मतलब हरियाणा से मत लगा लेना आप, हिसारडेल है जो न्यू ब्रीड है वो, उसकी मतलब शिप की है वो, बीकानेरी यूएस और मेराइनो रैम के क्रॉस से करवाई गई है, इसको ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल है। अब आती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, मतलब कि दो डिफरेंट स्पीशीज की आपस में क्रॉस करवाना, जैसे कि हॉर्स की स्पीशीज कुछ और होती है, डंकी की स्पीशीज कुछ और होती है, मतलब कि दो डिफरेंट इंटर, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में, जहाँ पर भी इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच, जैसे कि इंटर स्पेसिफिक है मतलब कि दो स्पीशीज़ के बीच में, अब इंट्रा स्पेसिफिक होता है तो इधर तो हो जाता है एक ही स्पीशीज़ के बीच में, जैसे कि ब्रीड वाला था, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है म्यूल, गधा आपने देखा होगा, उसमें क्या करते हैं कि जो मेल फीमेल हॉर्स होती है उसमें मेल डंकी यूज किया जाता है, सॉरी मेल मतलब कि डंकी यूज किया जाता है और फीमेल हॉर्स यूज किया जाता है, उससे म्यूल बनता है, जिसको खच्चर बोलते हैं, गधा नहीं होता, म्यूल खच्चर को बोलते हैं, ठीक है। खच्चर और पोनी, म्यूल
आपको पता है स्टीराइल होता है, हाई यील्ड फैक्टर आप देख सकते हो स्टीराइल।